और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन भट्ट ने पार्टी दफ्तर श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर में आजादाना इंतखाबात होने की सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद मुतबादिल है। इन ताकतों से दूर रहने का वाहिद मुतबादिल वोट है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत छीनी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को जम्मू कश्मीर में लोगों की जबरदस्त हिमायत हासिल है और वो जम्मू कश्मीर से तमाम सीटें जीतेंगी। भट्ट ने कहा कि लोगों के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों को वोटिंग के लिए बाहर आना ही होगा, उन्हें आना चाहिए अगर वो इन ताकतों से दूर रहना चाहते हैं जिन्होंने लोगों के हकूक और वकार को छीना है। जो 8 साल हम जम्मू कश्मीर इलेक्शन से महरूम रहे तो लोगों का उतना ही जज्बा और जोश नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ गया है। अगरचि किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दिली लगाव नहीं है या चाहत नहीं है उसको वोट डालने की या उस पार्टी के साथ चलने की, मगर इस वक्त वो समझता है हर कोई कश्मीरी के अल्टरनेट कोई नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर। हमें जो 370 का और 35A का खंजर गोपा गया है कश्मीरी को, तो उसका बदला हम वोट से लेंगे। बाकी हमें जेलों में रखा और मुख्तलिफ केसेस में मुबतला रखा, लोगों को निकलने नहीं दिया। तो अगर आज, मुझे नहीं लगता है, अगर आज ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करेंगे तो आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह रहमान 3 सीटें जीत के रहेंगे।